नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस में और यहां पर लगातार मेरे पीछे देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। ये सीटीआई के लोग हैं, चैम्बर ट्रेड इंडस्ट्री की तरफ से, जो लगातार चाइना का जो प्रोडक्ट जो बिक रहा है दिल्ली समेत पूरे इंडिया में, उसका बहिष्कार कर रहे हैं और साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग जो हो रहा है उसको लेके भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना और इंडिया, चाइना मतलब ना, इंडिया मतलब हाँ, यानी कि चाइना का माल आप ना खरीदें, इंडिया का माल खरीदें। यहाँ पे हम बात करेंगे और जानेंगे लोगों से कि ये यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट यही है कि दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और दिवाली पे हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बचे। ऑनलाइन शॉपिंग की आड़ में चीन अरबों अरबों डॉलर रुपए का सामान दिवाली पे बेचता है और पूरे साल भर भारत को आंख दिखाता है। चीन को सबक सिखाने के लिए चीन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। आज सीटीआई ने इसीलिए पूरे दिल्ली भर में अभियान चलाया है और लोगों से हम अपील करते हैं कि जो स्थानीय व्यापारी है उन्होंने कोरोना काल में अपने अपनी जान पे जोखिम पे डाल के आपको सामान बेचा, जरूरत की चीजें मुहैया कराई, उधार भी दिया, तो आपका फर्ज बनता है कि जो नजदीकी दुकानदार है वहां से शॉपिंग करें, ना कि ऑनलाइन शॉपिंग करें। ऑनलाइन शॉपिंग की आड़ में चीन का सामान बिकता है क्योंकि प्रोडक्ट पे लिखा ही नहीं होता, ओरिजिन ऑफ कंट्री लिखा नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं किस देश में बना है। तो भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि एक ई कॉमर्स पॉलिसी बनाई जाए जिसमें हर प्रोडक्ट पे ओरिजिन ऑफ कंट्री होना चाहिए, यानी कि वो किस देश में वो सामान बना है, जिससे लोग उसका विरोध कर सकें। और बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी ऑनलाइन शॉपिंग में होता है, तो हम चाहते हैं कि दिल्लीवासी और देशवासी इस बार भारत की बनी हुई लड़ियाँ, झालर, दिए, जूते, कपड़े, सजावटी सामान, गिफ्ट आइटम हमारे देश का बेचे। हमारे देश में लाखों लाखों कारीगर हैं, कुम्हार हैं, छोटे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो दिवाली पे बेचारे सामान बनाते हैं। लोकल अर्थव्यवस्था को मजबूत तभी होगी। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बनाना है, वोकल फॉर लोकल करना है, मेक इन इंडिया करना है, तो देश में बने हुए उत्पादों पे जोर देना पड़ेगा और दिवाली उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा त्यौहार है। अरबों अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था दिवाली पर घूमती है, बजार में पैसा रोटेट होता है, तो यही सीटीआई की मांग है। और इस बार सबसे अच्छी बात है कि चांदनी चौक, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, सदर बार, रजौरी गार्डन, करोल बाग, तमाम जो व्यापारी हैं, चीन के सामान का ऑर्डर बहुत कम दिया है और बाजारों में भारतीय स्वदेशी सामान बिक रहा है, जो बड़ी खुशी की बात है। आपको लगता है कि सीटीआई द्वारा जो आज ये जो प्रदर्शन या जागरूकता अभियान चला रहे, ये आज चलाना काफी लेट नहीं हो गया? नहीं नहीं, ये पिछले एक हफ्ते से हम लोग ऑनलाइन इसको चला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जा रहा है। आज ये प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि दिवाली का टाइम है और ये वैसे तो पिछले 10-15 दिन से हमारे जितने व्यापारियों के ग्रुप हैं, दिल्ली के 700 से ज्यादा जो व्यापारी संगठन है, वहां पे ये मैसेज हमने पहले दे दिया था। इस तरह के पैम्पलेट हमने सब बाजारों के व्यापारियों को भेज दिए थे, तभी है कि इस बार $1 लाख से ज्यादा का नुकसान चीन की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से दिवाली पे होगा। और ये अभियान हमारा रंग ला रहा है, जिस तरह से भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने भी वोकल फॉर लोकल की वकालत की है और दिल्ली सरकार हमेशा स्थानीय व्यापारियों को, छोटे छोटे ट्रेडर्स को सपोर्ट कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी समय समय पे छोटे व्यापारियों का हमेशा समर्थन करते आए हैं, तो सभी सरकारें समर्थन कर रही है तो हम भी समर्थन कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे व्यापारियों का व्यापार बढ़े और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे। चीनी और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में जो चीन की जो सामान है मार्केट में, जो दिल्ली समेत पूरे देश की बात करें, क्या वहाँ बिक रहा है या नहीं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रिया है, मैं वार्ड 90 से हूँ। रिया जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग जो जागरूकता अभियान चला रहे, इससे कोई फर्क पड़ा है लोगों में? सब बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जितना अपना वॉइस हम रेज करेंगे, हम दुनिया तक, देशभक्त तक अपने लोगों को पहुंचाएंगे, इन्फॉर्मेशन कैंपेनिंग करेंगे, ये प्रोटेस्ट करेंगे, तो हाँ, ये जागरूकता सबके बीच में जागेगी और जरूर से जरूर जितने भी हमारे व्यापार लोग हैं, हमारे शॉपकीपर से वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी और वो जितने भी हैं, ये सारे चीनी व्यापार जो हैं, जो सारे टेक्निकली ऑनलाइन चीज़ें मिलती है, फर्जी फ्रॉड चीज़ें मिलती है, उसे वो स्टॉप करेंगे और जो हमारे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट चीज़ें होती हैं वो उनको फॉलो अप करेंगे। चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे जो ये लगातार जो जागरूकता अभियान जो चला रहे हैं, किस वजह से चला रहे हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। सर, मैं प्रदीप गुप्ता, आम आदमी पार्टी जिला सचिव आदर्श नगर। आप यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं सीटीआई की तरफ से, किस विषय पर? ये हमारी सीटीआई की टीम पिछले 3 साल से लगातार चाइनीज सामान का विरोध कर रही है। ये सिर्फ चाइनीज सामान के विरोध के लिए ही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग का भी सीटीआई टीम पूर जोर से विरोध कर रही है, क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग जो स्टार्ट हुई थी
वो हुई थी बेसहारा बुजुर्ग माजूर और लाचार लोगों की बेसिक नीड्स की आइटम के लिए, कि वो कोई खाने का सामान मंगवा सके घर या कोई मेडिसिन मंगवा सके, लेकिन लोगों को उसका मिस यूज करके इसको एक व्यापार का रूप दे दिया। इसको व्यापार का रूप देने से जो लोकल दुकानदार है उनकी दुकानदारी पे बहुत असर पड़ा है। अब लेकिन लोगों के अंदर सीटीआई टीम का जो 3 साल से कंटिन्यूस विरोध हो रहा है उससे लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आई है और लोग ऑनलाइन शॉपिंग को अब नहीं पसंद कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहे हैं और बाजारों में जाके इससे बाजारों की रौनक बढ़ी है। और जो दुकानदार दिवाली के ऊपर सामान सजाए बैठा है, जो लाखों करोड़ों की दुकान लेके बैठा है, उसको इससे बिजनेस मिलता है और लोग इस टाइम बाजार में जाके सामान को परचेज कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करना छोड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो सीटीआई की तरफ लगातार जो ये जो अभियान चल रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता दिख रही है, लोग लोकल सामान यूज कर रहे हैं ना कि चाइना का सामान। और भी लोग से बात करेंगे। सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर साक्षात भसीन शायर गीतकार और एक्टर हूँ मैं, और सबसे पहले मैं भारतीय हूँ। वो कहते हैं ना अपनी जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी है। आज इस जो जागरूकता अभियान में आप जुड़े हैं इसके बारे में? मैं तो जुड़ गया, मैंने देखा एक अच्छी मुहिम है ये स्वदेशी के लिए। मतलब हम जितने हमारे नागरिक है अगर यहाँ के वफा नहीं निभा सकते तो किस बात का उनका, चाइना के हो जाओ फिर। अपने देश के लोगों के काम आना चाहिए ना, यहाँ का जो निर्माण है उसको खरीदना चाहिए हमें। तो मेरा एक शेर है, बड़ा भारी शेर है, कि वो हर नागरिक के लिए, देश के जो नागरिक है, कि ईमान है अगर तुझ में, अर्ज है ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल गुल जहां में खुलकर महकना चाहिए। तो आज हमारे मोदी जी पूरे जहान में महक रहे हैं, मतलब उसी के ऊपर। वो बदौलत, वही सबसे बड़ी दौलत है, हमारे ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और मैं बड़ा टिकाऊ शायर हूँ, बिकाऊ शायर नहीं हूँ आम शायरों की तरह, है ना, कि किताबों को काफी कम प्राणियों को ज्यादा पढ़ता हूँ मैं, शायर ईमानी हूँ, शेर भी बब्बर शेर गढ़ता हूँ मैं, मेरा तो ईमान ही सच में वो असली दौलत मेरी, ईमानी मस्ती दम पे आम शायरों से जुदा उड़ता हूँ मैं, शायर ईमानी हूँ शेर भी बब्बर शेर गढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप और भी लोगों से, सर आज जो ये जागरूकता अभियान जो चला रहा है सीटीआई की तरफ से, ये कितना कारगर, कम शब्दों में बात करें तो? मैं दीपक गर्ग, नेशनल सेक्रेटरी सीटीआई। इसका उद्देश्य समझना जरूरी है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे देश का छोटा उत्पादक है, हमारे देश का जो छोटा व्यापारी है, वो पूरे साल दिवाली का इंतजार करता है और इंतजार करता है कि लक्ष्मी अब आएगी अब आएगी अब आएगी, और लक्ष्मी चली जाती है चाइना। तो अब ये जो त्यौहार है, हमारे देश से लक्ष्मी आने की जगह चाइना लक्ष्मी जा रही है। तो हमें सीटीआई ने इसमें जागरूकता अभियान चलाया है कि ऑनलाइन कंपेन, ऑनलाइन शॉपिंग और चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, अपने देश के छोटे उत्पादक, अपने देश के छोटे व्यापारी के साथ। आप एक इंडियन की बात करें तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं एज ए इंडियन इस दिवाली पे दिए लूंगा, मिट्टी के दिए लूंगा। मैं एज ए इंडियन सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडियन यूज करूंगा, ताकि मेरे देश की लक्ष्मी मेरे देश में रहे, मेरे देश में समृद्धि आए, दूसरे देश में समृद्धि ना। आप क्या एज ए इंडियन क्या करने वाले दिवाली पे? हम एज ए इंडियन ये बोलना चाहते हैं, हम सीटीआई के मेंबर है और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जितना भी सामान है हमें अपने देश के लोगों से खरीदना चाहिए। दिए हो, लड़ी हो, शॉपिंग की जितने भी डेकोरेशन हो, वो हमें अपने देश से ही लेना चाहिए। अगर हम आज चीन के देश से लेंगे तो हम चीन के देश को ज्यादा पैसा दे के हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। वो हर साल इंडिया को इस चीज में पागल बनाता है। और मेरी इंडिया के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार अपने देश के नागरिक से शॉपिंग करिए, अपनी कंट्री की, अपने कंट्री को मजबूत बनाइए, ना कि दूसरी कंट्री को मजबूत बनाइए। आप एज ए इंडियन भारतीय क्या इस बार चाइना या भारतीय जो जो चीजें बनाई गई है दीपावली को लेके, वो प्रयोग करें? हम भारतीय का ही करेंगे। जो दीपावली पे हमारे दिए हैं, तोरण है, और जो हमारी जो लेडीज हैं जो वर्क करती है, मेड होम फ्रॉम मेड जो काम करती है, वो सारे काम करने बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक मैम है कि घर के ही सारे काम करती हैं। आप बता मैम कुछ इस बारे में। आप भारतीय हैं, आप भारतीय हैं, आप कौन सा, देसी या विदेशी? स्वदेशी। मैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट का ही बिजनेस करती हूँ, इंडियन तोरण्स बनाती हूँ, इंडियन टी लाइट्स बनाती हूँ, दीपक बनाती हूँ। बट इस बार मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इंडियन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट किया है। नहीं किया, क्योंकि मैंने इतने एग्जीबिशंस लगाए, इतना सब कुछ किया, बट लोगों को हमारा जो इंडिया का टेस्ट है, जैसे हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, इंडिया के लोगों में इतना हुनर है, मैं उसी को ही आगे प्रमोट करती हूँ, और लोग उसको अभी तक नहीं पहचानते हैं। नहीं, इसकी वजह क्या है, जानने की कोशिश किया आपने? क्योंकि लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं ग्लोबलाइजेशन से, बाकी बाहर की चीजों से, छोटी छोटी चमक धमक से, कि वो अपनी जो रूट्स हैं उनको भूल रहे हैं।
कि हमारे इंडिया में भी बहुत ही लोगों ने बहुत जो इंडिया दीपक इंडियन दीपक होते हैं उनको जब हम कलर वगैरह करते हैं उसमें चमक लाते हैं वो भी बहुत सुंदर लगते हैं सर लगते हुए। सीटीआई का मेन तो हमारा जो भारतीय जो स्वदेशी जो आइटम होता है ऐसा क्यों नहीं हम चाइना के मतलब टक्कर में क्यों नहीं बना पाते सर। हमारा इंडिया का ना सबसे बड़ा ये है कि वो इको फ्रेंडली रहते हैं। अगर आप इंडियन दीपक देखेंगे वो इको फ्रेंडली है। चाइनी अब देखोगे या तो वो डिफेक्टिव है या वो यूज होके थ्रो हो जाता है। हमारा जो इंडिया का है वो इको फ्रेंडली है और लोग अभी तक मैं को कहते हम चाहते हैं कि और ज्यादा अवेयरनेस बढ़े ताकि हम इंडियन प्रोडक्ट्स को और प्रमोट करें। तो आपने देखा कि कई लोगों से हमने बातचीत की और जाना कि जो इंडिया का जो प्रोडक्ट है और चाइना का प्रोडक्ट लोग स्वदेशी प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करना चाहते हैं क्यों विदेशी सामान को यूज करते हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि विदेशी सामान काफी चमकीले और विशेष तरह की होती है जो इंडिया का प्रोडक्ट होता है वो मतलब स्वदेशी और इको फ्रेंडली होती है तो उसको लोग कम यूज करना चाहते हैं। लेकिन वहीं सीटीआई की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन लोग मतलब उनकी टीम पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे एनसीआर ही नहीं पूरे देश में लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं और जल्द ही ऐसा दिन आएगा जो सिर्फ जो अपने देश के लोग भारतीय सामानों को ही खरीदेंगे चाइना के सामानों को बहिष्कार पूरी तरह करेंगे। अभिषेक नैन एबीपी लाइव दिल्ली।